लापता लापता। आप सभी को लग रहा होगा कि लापता गन जो सीरियल आता था वो सीरियल की बात कर रहा, लेकिन मैं लापता गन सीरियल की बात नहीं कर रहा हूँ। अरे हम बात कर रहे हैं अपने दिल्ली शहर की, क्योंकि हम दिल्ली शहर में हैं और जहाँ का मुख्यमंत्री हो गया लापता। मगर वो है किधर? अरे भैया आप बताइए, हम बताते हैं वो है किधर। हमारे जो नेताजी है ना, हमारे मुख्यमंत्री जी, वो कहाँ जाते हैं, क्या बोलते हैं, ना तो उन्हें समझ में आता है। और आजकल तो जनता को भी समझ आना बंद हो गया है। और जहाँ भी इलेक्शन होता है ना, वो वहाँ पहुँच जाते हैं। अब जैसे कि दिल्ली में इलेक्शन होने वाले हैं, तो दिल्ली में भी जरूर आएंगे और अपनी बातों से लोगों को बेवकूफ बनाएंगे। हम अन्ना के चेले हैं भाई, हम अन्ना के चेले हैं, खूब खाए हम खेले हैं, खूब खाए हम खेले हैं, हम अन्ना के चेले हैं भाई, हम अन्ना के चेले हैं। भ्रष्टाचार के, भ्रष्टाचार के लगे सब तरफ मेले हैं, हम अन्ना के चेले हैं। रामलीला मैदान में की रैली, रामलीला मैदान में की रैली। मैंने कभी नाटक नहीं किए, किंतु इस बार मैं भी एक नुक्कड़ नाटक के अंदर पार्टिसिपेट करूंगा और मैं ही बनाऊंगा उस नुक्कड़ नाटक को, और उसका शीर्षक है केजरीवाल के चेले हैं हम, केजरीवाल के चेले हैं। सुनाऊं दो चार लाइनें आपको? सुनिए। जो भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त हुए, उन्होंने कभी जो है अन्ना जी के साथ पार्टी बनाई थी, और अब अन्ना जी के साथ क्या हाल किया वो सुनिए। जाते मैं सच बताता हूं आपको, जिस तरीके का धोखा दिल्ली को, जनता को केजरीवाल एंड पार्टी ने दिया है, और जिस तरीके का धोखा अन्ना को दिया है, उस पर ये दो चार लाइनें मैंने बनाई हैं, सुनना आप जरा। हम अन्ना के चेले हैं भाई, हम अन्ना के चेले हैं, खूब खाए हम खेले हैं, खूब खाए हम खेले हैं, हम अन्ना के चेले हैं भाई, हम अन्ना के चेले हैं। भ्रष्टाचार के, भ्रष्टाचार के लगे सब तरफ मेले हैं, हम अन्ना के चेले हैं। रामलीला मैदान में की रैली, रामलीला मैदान में की रैली, कर दी अन्ना की चादर मैली। रामलीला मैदान में की रैली, कर दी अन्ना की चादर, झूठ बोल पार्टी बनाई, फिर जमकर झाड़ू लगाई। प्रशांत कुमार विश्वास योगेंद्र की करी पिटाई, भ्रष्टाचार की आग लगाई। हम अन्ना के चेले हैं भाई, हम अन्ना के चेले हैं, खूब खाए और खेले हैं, हम अन्ना के चेले हैं, खूब खाए और खेले हैं, हम अन्ना के चेले हैं। भ्रष्टाचार में खेले हैं, हम अन्ना के चेले हैं, भ्रष्टाचार में खेले हैं, हम अन्ना के चेले हैं, हम अन्ना के चेले हैं भाई, हम अन्ना के चेले हैं। तो ये आप समझिए, ये यहां से आ रही है आवाज, ये यहां से आ रही है आवाज, और ये इसलिए आवाज नहीं आ रही कि मैं बीजेपी के अंदर हूं, ये इसलिए आवाज आ रही है कि हम सबकी आंखें मुंदी पड़ी हैं, हम सबकी आंखें मुंदी पड़ी हैं। एक एक मंत्री, एक एक एमएलए भ्रष्टाचार में डूबा है, और उसने सबको पता है एमसीडी को पैसा नहीं दिया, और इसलिए नहीं दिया कि एमसीडी बदनाम हो जाए जाके। तो इसलिए दिल्ली के विकास के लिए ये जरूरी है कि अब इन लोगों को जाना चाहिए जो धीरे धीरे एक्सपोज हो रहे हैं। सिर्फ मुफ्त की रेवड़ियां बांटकर वो समझते हैं, सिर्फ मुफ्त की रेवड़ियां बांटकर वो समझते हैं हम राजनीति के अंदर लंबे चलेंगे। मैं नहीं समझता जी, तब भी आप देखिए भारतीय जनता पार्टी ने उनकी तरह कोई ऐसी घोषणाएँ नहीं की हैं। हम चाहते तो हम भी घोषणा कर सकते थे, तो इसलिए जरूरी है इन नुक्कड़ नाटकों की, नुक्कड़ नाटकों से हम लोग जनता को जागृत करें। और मेरा बस चलेगा तो मैं सारी दिल्ली घूम जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
आप लोग तालियां नहीं बजा रहे। थैंक यू थैंक यू। तो देखिए बात कुछ ऐसी है कि बात रही जुल्फी सरवरोड़ा साहब का और कैसे मुंडन मार के बैठा है जोड़ा साहब का। दोस्तों जब ये जोड़ा चमेली की जड़ में जाके छुपता है तो उसका कांटा पानी नहीं मांगता, लेकिन इंसान का बच्चे से खेलता है। पता है आपको किसके लिए? किसी को पता है? हमें पता है किसके लिए खेलता है? पापी पेट के लिए। पापी पेट के लिए। तो मेहरदान कदरदान साहबान दुखदान रक्तदान पीकदान और दूर दूर खड़े हुए मेरे प्यारे प्यारे मेहमान, जहां तक मेरी आवाज जा रही है वहां तक आप वही रहिए, जहां मेरी आवाज नहीं जा पाई थोड़ा थोड़ा पास आ जाइए। बहुत मजा आने वाला आप लोगों को, क्योंकि ये नाटक सिर्फ और सिर्फ आप ही लोगों के लिए। तो शुरू करने से पहले एक छोटा सा शेर अर्ज करना चाहूंगा आप सभी के बीच में। क्या बात है, इरशाद इरशाद के गुल खिले गुलशन खिले और खिले गुलदस्ते। क्या बात है, आप सभी की दाद चाहूंगा कि गुल खिले गुलशन खिले और खिले गुलदस्ते। क्या बात है, मेरे साथ शेर पर सब मिलकर ताली बजा दीजिए एक बार हंसते हंसते। क्या बात है। और ज्यादा देर ना करती हुई आइए शुरू करते हैं अपने नाटक की पहली कड़ी। खो गया खो गया खो गया। अरे भाई क्या खो गया, कहाँ खो गया, किसकी बात कर रहे हो? अरे भैया लापता लापता लापता। आप सभी को लग रहा होगा कि लापतागंज जो सीरियल आता था वो सीरियल की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं लापतागंज सीरियल की बात नहीं कर रहा हूँ। अरे हम बात कर रहे हैं अपने दिल्ली शहर की, क्योंकि हम दिल्ली शहर में हैं और यहाँ का मुख्यमंत्री हो गया लापता। मगर वो है किधर? अरे भैया भैया हम बताते हैं वो है किधर। हमारे जो नेताजी है ना, हमारे मुख्यमंत्री जी, वो कहाँ जाते हैं, क्या बोलते हैं, ना तो उन्हें समझ में आता है, और आजकल तो जनता को भी समझ आना बंद हो गया है। और जहाँ भी इलेक्शन होता है ना, वो वहाँ पहुँच जाते हैं। अब जैसे कि दिल्ली में इलेक्शन होने वाले हैं, तो दिल्ली में भी जरूर आएंगे और अपनी बातों से लोगों को बेवकूफ बनाएंगे 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 बनाएंगे। देखिए मेरी बहनें जानती है, मैं नमस्कार कर रहा हूँ सबको, सर नमस्कार कर रहा हूँ सबको, और मैं आपसे झूठे झूठे वादे करूंगा, आपको मैं विकास के सपने दिखाऊंगा, लेकिन देखो करूंगा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं करूंगा, पहले से ही चेतावनी दे रहा हूँ। आप देखिए यहाँ की जनता से बात कर रहे हो, दिल्ली में इलेक्शन है, चुनाव आने वाले। अरे भाई दिल्ली में इलेक्शन है हाँ। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं भाई, दिल्ली चलो। आइए सर दिल्ली चलिए। अरे आगे सर दिल्ली, दिल्ली तो नहीं लग रहा भाई ये। दिल्ली है भी नहीं, फिर हमारा अपना पंजाब। अच्छा पंजाब है क्या, तो पंजाब की जनता से हाय हेलो कर लेते हैं। हाय हेलो, हाय हेलो भाई, हाय हेलो कर दो। अरे अबे पागल है, पिटवाएगा क्या? अरे यहाँ तो हमारे लोग ही हमें मार देंगे। नहीं नहीं निकलो यहाँ से, निकलो जल्दी जल्दी जल्दी। अरे कहाँ ले आयो ये, क्या है दिल्ली लेकर आ गया? अरे पर ये मुझे इतनी खाती क्यों रही है, ये धुआं धुआं क्या है ये? अरे सही धुआं धुआं नहीं है, फिर ये इसे कहते हैं पॉल्यूशन। वो देखिए सारे पॉल्यूशन पीछे बैठे हुए, इतनी घटिया चीज है। हमने दिया? अरे इतनी बढ़िया चीज, क्या बात है क्या बात है। अरे वाह वाह वाह, लेकिन भाई हमने दिया है तो इसके जरूर कुछ फायदे होंगे, तो भाई ऐसा करो इसके फायदे बताओ लोगों को, क्या क्या फायदे हैं इसके? हाँ सर हाँ, फायदे मैं आपको बताता नहीं हूँ, क्यों मैं आपको दिखाई देता हूँ सबके सामने। अच्छा ठीक है भाई, हम भी देख लेंगे, चलो दिखाइए सर, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। देखिए सभी से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ, हम स्कूलों को बंद नहीं करना चाहते, लेकिन ये लोग बीजेपी वाले हैं, ये बहुत प्रेशर बना रहे हैं, इसके लिए हमें स्कूलों को बंद करना पड़ेगा। तो एक बार सभी बच्चों से और उनके पेरेंट्स से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं और स्कूलों को हम बंद। आंखों में मेरी बहुत ज्यादा जलन मच रही है। अरे भाई आंखों में जलन मच रही है, आंखें बंद कर लो, बंद कर। आंखें बंद नहीं करनी है। क्यों भाई? आंखें बंद कर लोगे तो दिल्ली की जो जनता के टैक्स का पैसा है, जिससे हमने इतने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए हैं, अपनी फोटो छपवाई है, ऐसे नाम लिखवाया, वो कैसे देखोगे? वो तो ठीक है, आंखें खराब होने दो, लेकिन आंखें खुली रखो। ठीक है वो तो ठीक है, मुझे सांस भी नहीं ली जा रही नेताजी, सांस नहीं ली जा रही, तो दिल्ली छोड़ के कहीं चले जाओ। दिल्ली छोड़ के नहीं जाना भाई, क्यों? 4 तारीख तक अपनी सांसों को होल्ड पे रखो, उसके बाद तुम्हारी सांसों से हम तुम्हें मुक्ति दिलवा देंगे। अरे भाई हमारा वोट कम हो जाएगा, तो वोट कम नहीं होने देना है। अरे भाई मेरा पीए कहाँ रह गया? पीए का? अरे सर हाँ, मैं ना आपको छोड़ के जा रहा हूँ। अरे क्यों जा रहे हो भाई? अरे भाई देखिए आपकी जो पार्टी है, आपकी जो पार्टी है प्रतिवर्ती कुछ है नहीं, सिर्फ वादे पर वादे करती रहती है, काम तो करती है हमारी अपनी बीजेपी सरकार, जो वादे के साथ साथ उसको पूरा भी करती है। चुप भाई, हमारी एक टैगलाइन है तो यार, ये 135 करोड़ की जनता सब जानती है, तो टेंशन क्यों ले रहे हो, चिंता मत करो। देखो जब हम काम नहीं कर पाते तो हम बोल देते हैं कि भाई बीजेपी वाले काम नहीं करने दे रहे,
और जब बीजेपी वाले वही काम कर देते हैं तो हम उसी काम के बड़े बड़े से होर्डिंग निकलवाते हैं और उस पर अपना नाम लिखवा देते हैं। सर ऐसे तो हम लोग फंस जाएंगे। अरे आज तक फंसे हैं क्या है? अरे आज तक नहीं फंसे और अभी भी नहीं फंसेंगे, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि दिल्ली में चल क्या रहा है वो चल के देखते हैं। अरे सर आइए देखते हैं। चलो देखते हैं। तो देखा भाइयों बहनों आपने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली में पॉल्यूशन तो हमें दे दिया और उससे होने वाली समस्याएं भी हमने देख ली, लेकिन हमारी नगर निगम प्रदूषण को कम करने के लिए क्या क्या कार्य कर रही है, हमारी बीजेपी पार्टी पॉल्यूशन को कम करने के लिए क्या क्या कार्य कर रही है, आइए आपको दिखाते हैं। उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को घर घर गैस चूल्हा उपलब्ध कराया गया जिससे धुएं से होने वाली समस्याएं अब समाप्त हो गई। बिल्कुल 60 और मानव दिल्ली में आने से रोका जिससे 60% तक पॉल्यूशन कम हुआ। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे बनवाकर पॉल्यूशन और जाम से छुट्टी दी जाएगी। और तो और बदरपुर में जो 1885 एकड़ की जमीन जो कि गंदी पड़ी हुई थी, यहाँ पे कूड़े का ढेर था, हमारी नगर निगम सरकार ने, हमारी बीजेपी सरकार ने वहाँ पर एक बहुत अच्छा पार्क बनवाने की योजना है और आधा पार्क बन भी चुका है, ताकि जिससे कि आप अपने बच्चों को लेकर अपनी फैमिली को लेकर उस पार्क का आनंद उठा सकते हैं। थैंक यू। दिल्ली के मॉडल टाउन में नैनी झील का निर्माण कराया गया जिसकी बोटिंग की सुविधा नगर निगम खुद देखती है। और तो और पूरी दिल्ली में 15,000 पार्कों का नवीकरण किया गया ताकि जिससे कि पॉल्यूशन कम हो सके। दोस्तों इतना ही नहीं, देखिए हमारा नगर निगम क्या क्या कर रहा है पॉल्यूशन को कम करने के लिए। गाजीपुर में जो कूड़े का पहाड़ है उसको 15 से 20 मीटर तक कम किया हुआ है और आगे भी करने की प्लानिंग है। और इसी के साथ साथ हमारा जो यूथ है आज का, उसके लिए दिल्ली सरकार क्या कर रही है, 3 बजे तक बार खुलवा रही है ताकि जो हमारा आज का यूथ है वो नशे में धुत कहीं भी पड़ा रहे। वहीं दूसरी तरफ हमारी जो बीजेपी की सरकार है वो क्या करवा रही है वो आपको दिखाते हैं। अरे अरे बहन जी देखिए, मुझे आपसे कोई दहेज वगैरह तो चाहिए नहीं, मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरे साथ जितने भी बाराती आए आप उनका स्वागत अच्छे से करें, मतलब उनकी रहने की व्यवस्था अच्छी हो, जहाँ पंखे लगे हो एसी लगे हो और खाने पीने का अच्छा प्रबंध, ठीक है? अच्छा अब मैं चलता हूँ। हे भगवान, अब मैं कैसे करूँगी, मैं विधवा औरत, अगर इसके पापा होते तो शायद कुछ हो जाता, अब मेरी बेटी की शादी कैसे होगी? अरे अरे मैडम आप कहाँ टेंशन लेती हैं, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी नगर निगम सरकार के जितने भी सामुदायिक भवन जो है दिल्ली के अंदर, वहाँ पे विधवा औरतों के बच्चों के लिए फ्री बुकिंग उपलब्ध है, जिससे कि आपको पैसे की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और तो और वहाँ पे एसी लगा हुआ है, गर्मी के समय में आपको भी गर्मी नहीं लगेगी और न लड़के वालों को गर्मी लगेगी, क्योंकि आप एसी चालू कर सकते हैं। हमारी नगर निगम सरकार, हमारी बीजेपी सरकार इतना कुछ कर रही है, बस शर्त यह है कि आप सभी को उन योजनाओं का पता होना चाहिए। अच्छा, अरे फिर तो मोदी सरकार बहुत अच्छी है। बिल्कुल। और दोस्तों इतना ही नहीं, एक तरफ दिल्ली सरकार ने वादा किया था कि जहाँ झुग्गी है वही मकान देंगे, लेकिन उन्होंने सिर्फ वादा किया और भूल गए। वहीं हमारी मोदी सरकार ने क्या किया, जहाँ झुग्गी वही मकान का वादा किया और ठीक वैसा किया भी, क्योंकि अभी तक जहाँ 3,000 झुग्गियाँ थी वहाँ पर मकान दे चुके हैं। हमारी आज की जो घरेलू औरतें हैं उनका सिर्फ यही सपना होता है कि हमें अपनी छत मिल जाए, वो मोदी सरकार ने कर दिखाया। और दोस्तों इसी के साथ साथ 10,000 मकान देने का और वादा है। इसी के साथ साथ केजरीवाल जी ने और भी वादे किए थे, वो भी आपको बताते हैं जो आज तक पूरे नहीं हुए। केजरीवाल जी ने पहला वादा तो ये किया था कि महिलाओं को सुरक्षा देंगे, जिसके लिए उन्होंने मार्शल तैनात करने की बात की थी, लेकिन मार्शल तो छोड़िए, सीसीटीवी कैमरा तक नहीं लगवाया और जो लगे भी हैं वो चलते नहीं है। केजरीवाल सरकार ने 75% तक कॉमर्स और साइंस की सुविधा बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं है। केजरीवाल सरकार ने कहा था 2015 से नए अस्पताल बनवाएंगे, नए अस्पताल बनवाना तो छोड़ो, जो 1,000 में से 400 बच्चे भी हैं उनमें भी ना तो अच्छी दवाई है ना अच्छे डॉक्टर। और तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि 2019 तक यमुना को साफ करने का वादा किया गया था, लेकिन वो वादा आज भी वादा ही है, वो वादा कभी आज तक पूरा नहीं हुआ, सब भी जानते हैं यमुना काल आज भी वैसा ही है। नहीं नहीं, पूरी दिल्ली में हर घर घरों में 20,000 लीटर पानी देने का वादा किया था,
लेकिन आज भी 75% घरों में पीने योग्य पानी नहीं है। मैं एक रिक्शा चलाने वाला हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने बच्चे का पेट पालू या उसको स्कूल में भर्ती करवाऊँ। समझ सकते हैं आप, क्योंकि मैं रिक्शा चलाने वाला हूँ, डेली कमाता हूँ और डेली खाता हूँ। भाई साहब आपका ध्यान नहीं गया, भाई साहब मैं कुछ कह रहा हूँ। थैंक यू, खत्म करने के आखिरी सॉन्ग करके खत्म कर दो। सबका साथ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। एक देश है, एक है, हम सब एक बना है भारत अब। एक देश है, एक है, हम सब एक बना है भारत अब। सबका साथ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सभी का बहुत दोस्तों ने, प्रवीण जी ने यह अनुरोध किया कि नुक्कड़ नाटक की जानकारी संवाददाता सम्मेलन में मैं आपको दूं जाकर। नुक्कड़ नाटक आज बहुत प्रभावशाली एक माध्यम बना है, जिसमें थोड़े समय के अंदर आप सशक्त रूप से अपनी बात को जनता तक पहुंचा सकते हैं। और हर चुनावों में नुक्कड़ नाटक का प्रयोग हुआ है। अनुज जी, इमप्रीत जी और कीर्ति जी, इन लोगों ने बड़ी मेहनत करके नुक्कड़ नाटकों को तैयार किया है। जाते दिल्ली में 250 वार्ड हैं, हर वार्ड के अंदर 10-10 ये नुक्कड़ नाटक जाएंगे, जिसमें दो तरह के संदेश होंगे। एक संदेश तो ये होगा कि बीजेपी दोबारा जब चौथी बार एमसीडी के अंदर आएगी तो वो किस तरीके से दिल्ली के अंदर और ज्यादा खुशहाली, और ज्यादा विकास और ज्यादा समस्याओं को हल करेगी। और दूसरा, आप रोज देख रहे हैं कि वो पार्टी जिसने लोगों को बड़ा सब्ज बाग दिखाया और लोग सब्ज बाग में आ गए। मेरे जैसा आदमी भी ये समझता था जब आम आदमी पार्टी बनी थी कि शायद ये पार्टी में डिफरेंस होगी या कुछ नई चीज करके दिखाएगी, पर धीरे 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 उन्होंने जो रंग दिखाया है, तो मैं समझता हूं कि राजनीति के अंदर जितनी भी गलत भ्रष्टाचार की या आप समझिए कुरीतियां हैं, वो सब अकेले सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी के अंदर हैं। उनको देश से, समाज से, विकास से, इससे कोई मतलब नहीं है। जाकर दिल्ली के अंदर मैं चुनौती देता हूं, अगर आम आदमी पार्टी ने एक भी काम किया हो तो आप मेरे से प्रश्न पूछ सकते हैं। जो कूड़े की बात करते हैं वो पॉल्यूशन के ऊपर नहीं आना चाहते, कहते हैं ये विधानसभा का मुद्दा है। जो कूड़े की बात करते हैं वो यमुना पे नहीं आना चाहते, कहते हैं विधानसभा का मुद्दा है। जो कूड़े की बात करते हैं वो पीने के गंदे पानी पे नहीं आते, कहते हैं विधानसभा का मुद्दा है। जो कूड़े की बात करते हैं वो बसों के पे नहीं आते, वो इस बात पर भी नहीं आते हैं कि जो उन्होंने हजारों करोड़ रुपया एमसीडी को देना था वो नहीं दिया। आज कूड़े के पहाड़ को देखकर केजरीवाल बहुत खुश होते हैं, उनको चुनाव जीतने से मतलब है, उनको किसी से मतलब नहीं है। जो आदमी ये कह दे 8 साल के अंदर मैंने यमुना साफ नहीं की और अभी 2025 तक नहीं करूंगा, और उसके बाद भी वो दिल्ली के अंदर खड़ा होकर वोट मांग रहा है, इससे ज्यादा शर्म की बात कोई नहीं हो सकती है। तो ये सब नुक्कड़ नाटकों के अंदर दिखाया जाएगा।